कला और संस्कृति के माध्यम से देशों को जोड़ने के लिए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में चल रहे 3 दिवसीय 12वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म कार्यक्रम के पहले दिन के तीसरे सत्र में म्यूजिकल परफॉर्मेंस का शानदार आयोजन किया गया। द्वीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा फेस्टिवल प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, सदूर रुस्तम बाए, प्रेटा सिजो, बायोत्रा खमातो, अनिला सिंह, निधि सिंह ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा फेस्टिवल प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, संगीत दुनिया की वो कला है जो व्यक्ति से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। संगीत व्यक्ति को जोड़ने का काम करती है और व्यक्ति के मन को बहलाने का काम करती है। साथ ही स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट ने भी लगजा गले, मलंग सजना जैसे गीतों को गाया और अपने गानों से सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में सभी अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो दिया गया। युवा ऊर्जा हो तो वाइब्रेंट होगा ही होगा, ठीक है ना। ये 12th ग्लोबल फेस्टिवल है जर्नलिज्म का और जर्नलिज्म पत्रकारिता जो है उसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। और चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि बाकी जो 3 स्तंभ है, अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, उसको अगर स्टेबलाइज करना है तो इसके लिए हमें पत्रकारिता जर्नलिज्म की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो डेमोक्रेसी की कुर्सी डोल जाएगी। तो आप लोग वो लोग हो जो लोकतंत्र को स्थिरता देते हैं, तो अपना महत्व समझें। और हम सुनते हैं, आप अक्सर सुनते होंगे बहुत सारी चीज़ें, गोदी मीडिया, कोई कहेगा भोगी मीडिया, ये अपमान है। मैं एक ही प्रकार की जर्नलिज्म को, पत्रकारिता को जानती हूँ, वो है कर्म योगी क्या पूछना चाहते हैं। मैं कल तक अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। मैं मिस यूनिवर्स रह चुकी हूँ 2023 की, निधि सिंह, और मैं 23 साल की उम्र में मैंने 660 अवार्ड अपने नाम कर चुकी हूँ और वर्ल्ड वुमेन राइट्स कमीशन की प्रेसिडेंट हूँ और अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रही हूँ। और साथ में आप लोगों की तरह ही जर्नलिस्ट हूँ, एज अ न्यूज़ एंकर हूँ अभी भारत 24 न्यूज़ चैनल पर। और दोस्तों, मेरा मानना सिर्फ ये है कि हम मीडिया जगत जो हमारा है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो आप मीडिया के माध्यम से सिर्फ मैं यही बोलना चाहती हूँ दोस्तों कि एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा रेप की घटना है, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतना ज़्यादा रेप ज़्यादा या घटना हो रही है। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने राष्ट्रपति जी के सामने ये बात रखी है कि छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, हमारे स्कूल्स में पढ़ रही हैं, प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, कई स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में हमारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उनको हम सेल्फ डिफेंस सिखाएं। क्योंकि विदाउट सेल्फ डिफेंस के हम अपनी बच्चियों को हम क्या सिखाते हैं, गुड टच एंड बैड टच सिखाते हैं, सिखाते हैं ना। तो गुड टच एंड बैड टच से क्या लड़कियाँ सेफ हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। उसी बीच में कुछ ऐसा वारदात हो जाती है कि वो बच्ची जब तक घर पहुँचेगी तब तक कुछ ऐसा घटना हो जाएगा, तब तो बहुत देर हो जाएगी। तो मेरा मानना ये था कि 3 साल से 4 साल तक की बच्ची को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, हर प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, हर स्कूल में सिखाया जाए, और जो लड़के हैं उनको सेक्स के बारे में पढ़ाया जाए। And I would like to congratulate everyone here. I think everybody enjoyed this evening and it was a variety of events. We've attended exhibition, designed exhibition, and of course this wonderful concert. And I would like to congratulate this institution, all of the hosts here, for this wonderful event that we had here today. And I would like to wish you great success, because I see this esteemed institution as a future of India is being made here. So I would like to congratulate everyone. और मैं जैसे यहाँ जो हिंदी गाने सुनाए उन्हीं की तरह बचपन से भारत से, हिंदी भाषा से मेरा बहुत बड़ा प्रेम था। और इसीलिए यहाँ ताशकंद में एक ओरिएंटल स्टडीज फैकल्टी होती थी, उसी में 5 साल के हिंदी का कोर्स पूरा किया। इसके बाद 1 साल के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया और फिर 86 से 90 तक मैं बोकारो स्टील प्रोजेक्ट में एज इंटरप्रेटर रहा हिंदी के। और इसके बाद मैं पूरी जिंदगी
ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में हिंदी पढ़ाने में लग गया है और अभी तक वही उसी यूनिवर्सिटी में मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। और इसके साथ साथ ताशकंद में इंडियन कल्चरल सेंटर है, वहाँ लोकल लोग जो हिंदी सीखना चाहते हैं हम उनके लिए स्पेशल कोर्स है हिंदी भाषा के, मैं वहाँ भी हिंदी पढ़ाता हूँ। इस प्रोग्राम में पहले दिन के हम लोगों ने गीत और संगीत का कार्यक्रम रखा और मुझे बड़ी खुशी है कि उज़्बेकिस्तान से एक ग्रुप यहाँ पर पहुँचा है जिसने हिंदी फिल्मी गानों का यहाँ प्रदर्शन किया है, बेहतरीन खूबसूरत गाने और बहुत ही मज़ेदार तरीके से यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। हॉल जो है वो झूम उठा था और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए क्योंकि एक तो 12वां एडिशन है हमारे ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का और ये सुबह से तांता लगा हुआ है और विभिन्न देशों के राजदूत यहाँ पर बार बार किसी न किसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में पहुँच रहे हैं। आने वाले दो दिनों में भी यही हाल होने वाला है और रंगारंग कार्यक्रम जो हैं वो इसी तरह जर्नलिज्म फेस्टिवल के साथ भी जुड़े रहेंगे। आज इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म है, कल रेडियो डे है और परसों वैलेंटाइंस डे है और तीसरे दिन हम लोगों ने यहाँ पर फैशन शो का भी प्रदर्शन रखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि सारे कार्यक्रमों में हमारे सभी यहाँ पर आने वाले डेलीगेट्स अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रदेशों से और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरा आनंद लेंगे।